हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी पे। दोस्तों आज मैं आपको देखें यहाँ पे एयरफोर्स नेवी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। तो आप इनको एयरफोर्स नेवी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, तो इनको आप अच्छी तरह देख लीजिएगा। चलिए ये देखिए, सी डैश हिम एंग्रीली बिकॉज ही मैट ही फ्लोर डर्टी विथ हिज, ठीक है। ये फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन थे, तो इनके सीधे मैं उत्तर आपको बता देता हूँ और थोड़ा किस तरह से आया क्या आया ये भी बता दूंगा। देखिए ऑप्शन में क्या था, एक बार लिख दे रहे, स्कॉल्डिंग था, ठीक है, और स्कॉल्ड भी था, स्कॉल्डेड भी था, और नो इरर था। चलिए तो इसमें सब्जेक्ट हिसाब से देखिए, स्कॉल्ड आईएनजी फॉर्म को नहीं आया क्योंकि सब्जेक्ट के बाद में तुरंत आईएनजी फॉर्म नहीं आता, तो ये कट गया। ये लिखा है स्कॉल्ड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है स्कॉल्ड, लेकिन यहाँ पे सेंटेंस आपको पास्ट का दर्शा रहा है, तो स्कॉल्ड लगेगा नहीं, स्कॉल्ड लगेगा, सेकंड फॉर्म लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पे स्कॉल्डेड हो जाएगा, ठीक है, ये समझ गए होंगे। सब्जेक्ट ग्रेड में जिन नहीं आता, ये भी मैंने यार सब लिख दिया है यहाँ पे, मैंने सब इसे सब चीज़ें इसलिए लिख दी है क्योंकि मुझे बताऊँगा अगर तो आप भूल जाएंगे, लिखी चीज़ आप ज़्यादा नोटिस भी कर लेंगे क्योंकि आपको कॉपी में भी लिखना है सब चीज़ें, ठीक है, कॉपी में लिख लीजिएगा। नेक्स्ट है और नेवर गिव योर फ्रेंड, तो ये सीधा आपका ये फिक्स से पूछा जाता है, अक्सर ये पूछा गया है, तो इसको सीधे देख लीजिए, नेवर गिव योर फ्रेंड्स टू कोल्ड सोल्जर, ठीक है। देख दिया गया, चलिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट हो गया, क्यों इंपॉर्टेंट हो गया अभी पता चल जाएगा, ठीक है। ए पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच ए पर्सन डैट माइट हैव ए डिजीज इज केप्ट अवे फ्रॉम अदर पीपल सो डैट द डिजीज कैन नॉट स्प्रेड, ठीक है। तो इसको हो जाएगा क्वारंटीन, ठीक है। ए पीरियड ऑफ मतलब लंबे समय से या लंबे अवधि से, ठीक है, ऐसे मतलब पर्सन किसी भी व्यक्ति को, ठीक है, मतलब किसी बीमारी के चलते, ठीक है, अदर दूसरे पीपल से क्या कर दिया जाए, मतलब कि दूर रखा जाए, क्योंकि मतलब क्योंकि उसकी बीमारी स्प्रेड माने दूसरे लोगों को ना फैले, तो उस चीज़ को एक भांसम कहते हैं, क्वारंटीन कर देते हैं, ठीक है। या आपको कोरोना पोस्टपोन में मतलब कि कोरोना पॉजिटिव जब हो जाता है तो उसको क्वारंटीन करना पड़ता है जिससे कि दूसरों को बीमारी ना फैले, ठीक है, सही भी है, करना भी चाहिए, ठीक है, जिससे दूसरों को बीमारी ना फैले, ऐसे तो धीरे धीरे सबको पड़ जाएगी। क्वारंटीन की स्पेलिंग देख लीजिए, नोरन में भी आ सकती है, क्वारंटाइन, ठीक है, क्वारंटाइन होता है, ठीक है, क्वारंटाइन, ठीक है। स्पेलिंग देखिए, ये सब चीज़ें स्पेलिंग आपको अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी होगी तो आप कभी नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो इनको आप प्रैक्टिस कर लीजिए, कॉपी में लिख लीजिएगा। टू एंड इन स्मोक, ठीक है, अब स्मोक का कोई परिणाम नहीं निकलता, ठीक है, स्मोक करने से कोई चीज़ फ़ायदा नहीं होता, तो इसी को कहते हैं हिंदी में कोई परिणाम नहीं निकलना, तो टू फेल होता है। ए लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, तो उसका होता अस्पष्ट रूप, मतलब अस्पष्ट ढंग से प्रशंसा करना, एन एम्बिगस कंप्लाइन, ठीक है। चलिए क्या होता है, दिया गया है जुडिशियस, माने होता समझदार चालाक, वाइज माने होता चालाक समझदार या बुद्धिमान, ठीक है। हीड माने होता ध्यान देना, ठीक है, निगलेक्ट माने होता ध्यान ना देना, ये दोनों एंटोनियम है आपके, ठीक है। चलिए तो और देख लीजिए, ये वर्मिन डज मच हार्म टू कॉप्स, ठीक है, नो इरर, तो देखिए ऐसा होता है कि वर्मिन होता है वो आपको ऑलरेडी पॉपुलर होता है, वर्मिन माने होता है हिंसक पक्षी, ठीक है, हिंसा करने वाला हिंसक पक्षी होता है, ठीक है, तो पॉपुलर है, तो यहाँ पे देखिए पॉपुलर के हिसाब से यहाँ पे डू होना चाहिए ना कि डज होना चाहिए, इसलिए बी में गलती है, डू होगा। चलिए इफ द फार्मर गॉट ए वॉशिंग मशीन हिज वाइफ कैन डू द लॉन्ड्री क्विकली नो इरर, तो यहाँ पे ये है कि गॉट होता है जो आपकी सेकंड फॉर्म है, पास्ट है, तो इसका मतलब है यहाँ पे जो भी चीज़ अगर एक सेंटेंस पास्ट में तो दूसरा भी आपका पास्ट में रखना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे कैन नहीं कुड होना चाहिए, कैन का पास्ट होता है कुड, सी ओ यू एल डी, कुड होता है, तो यहाँ पे कुड का उपयोग किया जाएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। ये है कि ये सब ये कॉपी में लिखे पर इनका मतलब ये नहीं कि इनकी वैल्यू नहीं है, इनकी वैल्यू उन्हीं के बराबर है जो आपके पेपर में आते हैं उनके बराबर है, ठीक है।
ये कॉपी में लिखे पर ये नहीं, वाइज माने चला को बुद्धिमान होता है। ये अच्छी राइटिंग में भी लिखा होगा तो भी कोई बात नहीं, और बुरी राइटिंग में लिखा तो भी कोई बात नहीं, आपको बस आना चाहिए, ठीक है। तो ये कॉपी में लिख दिया लिखा है सब, तो आप इनको कॉपी में लिख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। लॉकडाउन का समय है, लंबा लॉकडाउन आपका चलता रहेगा, तो आप इनको कॉपी में लिख लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा।